एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू उड़ान क्लासेस, उड़ान सफलता की ओर। सो एक बार फिर मैं आ गई हूँ और सेशन जरूर होगा। देखो, रोज शाम 6 बजे अपने उड़ने की तैयारी कर लिया करो। आपको पता है उड़ना ही उड़ना है, चाहे आपको थोड़ा सा पहले उड़ना पड़े, चाहे थोड़ा सा लेट उड़ना पड़े, लेकिन उड़ना जरूर है। ठीक है, सफलता किसको नहीं चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए ना, लेकिन बस लाइक नहीं करते तुम लोग यार सेशन को। ठीक है, मुझे रोज सुनना पड़ता है कि यार आप बोलते नहीं हो लाइक करने के लिए, बोलते नहीं हो। मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, बेचारे बच्चों को समझ आना चाहिए कि उनको खुद करना चाहिए लाइक, है ना। तो जो जो आ रहे हैं लाइक कर दो सेशन को। अगर आप नए हैं और पहली बार आ रहे हो यहाँ पर, तो आप हमारे इस एग्रीकल्चर 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप सबको ही अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। हमारी एग्रीकल्चर डा की छोटी सी फैमिली है जिसको हम बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, और ये सब होगा सिर्फ आपके सपोर्ट से। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपका पूरा ख्याल यहाँ पे रखेंगे, पूरा दिन रखेंगे। ठीक है, हाँ, वेरी गुड दिशा बनर्जी, आज उड़ते हैं, कल मैराथन में जाना है। बच्चों, बात ऐसी है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मेरे प्यारे यहाँ पर बच्चे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो मैराथन में थे या नहीं थे। जहां हम बात करें संध्या, चेतक, योगेंद्र, विशु, ये सारे लोग जो हैं वो कहाँ मैराथन में आए थे और मैंने देखा भी है। लेकिन रमेश्वर, अस्मिता, दिशा भी आई थी, वेरी गुड दिशा। सो जो जो आए थे और जो जो, अच्छा, डाटा संबंध हो गया, संपन्न हो गया आज मेरा। ओके, अमित सिंह, राधे राधे मैम, मेरा सेमेस्टर चल रहा है ना, आपसे क्लासेस रेगुलर करूंगा। ओके, ठीक है। सो भाई, अगर आप नए हो ना और आप पहली बार ये सेशन देख रहे हो, या आपने बाय चांस जो है अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे, आप एक अलग दुनिया में पहुंचोगे। वहां पे हमारी कम्युनिटीज है, आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे क्विजेस मिलते हैं आपकी इवैल्यूएशन के लिए। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और जहां पर सेकंड नंबर पे लिखा है डाउनलोड आर अड्डा 24/7 ऐप, वहां से उसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां से इंस्टॉल करने पे आपको मिलेंगे कुछ क्वाइंस। ठीक है, और वो क्वाइंस आप यूज कर सकते हो आगे चल के कहीं भी, बिंदास जो ऑफर्स आएंगे। ठीक है, रामेश्वरी सिंह, मैं विक्रांत हूं। ओके विक्रांत जी, रोज आओगे तो मुझे याद हो जाएगा कि रामेश्वर नहीं, आप विक्रांत हैं। ओके, आदित्य बोल रहे हैं मैं भी आया था, शाबाश। तो आज आपका इम्तिहान है कि जो जो आज के मैराथन में आया था और नहीं आया था, उनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, क्योंकि आज भी हमारा क्विक रिवीजन होने वाला है। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आई थी, पर एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक बारी में आपके नहीं हो पाते हैं, आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फटाक से हम रैपिड फायर में करेंगे इसका रिवीजन और देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जो से लोग सही करेंगे मुझे पता चल जाएगा वो मैराथन में आए थे, और जो लोग सही नहीं करेंगे उनको पहली बार सही लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो रिविजन फिर से करना जरूर। चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत जल्दी जो है आंसर आना चाहिए। हेलो मैम, बीएससी एग्रीकल्चर में बैक बहुत आती है, क्यों हार्ड है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल हार्ड नहीं, आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। अगर आप रिवीजन करते हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बैक वैक कुछ नहीं आने वाली। ठीक है, सो ये सिर्फ उन्हीं को आती है जो रिवीजन नहीं करते। तो एग्रीकल्चर मांगता है रिवीजन, समझ गए? तो हम भी करने वाले हैं रिवीजन, दिस इज द सैटरडे, एंड हम मैराथन के क्वेश्चन जो है उसी को रिवाइज करेंगे। सबका जो है वो सही होना चाहिए। बताइए जो स्टोरेज पेस्ट है बेटा, वो कौन से कंटेंट को कम करते हैं? वेरी नाइस, दिशा, विशु, समृति, वहां मैं देख नहीं पा रही थी अपने प्यारे अपने बच्चों को, यहां पर मैं देख पा रही हूं राजेश, संध्या, समृति, वेरी नाइस बच्चों, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। रट लिए है ना, रट लिए, बस रिवीजन में तुम्हें मजा आएगा। एक भी बच्चा जो है मेरा यहाँ पे रेगुलर बच्चा, वो गलत नहीं करेगा आंसर्स। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है आंसर्स, शाबाश, आज रिकॉर्ड बनाओगे। प्रोटीन कंटेंट कम होता है, स्टोरेज पेस्ट जब लगते हैं किसी भी हमारे ग्रेन को, तो वो उसका प्रोटीन जो है वो खा जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड इज द ट्रेड नेम ऑफ, बताया था आपको ट्रेड नेम क्या होता है। ट्रेड नेम होता है जो मार्केट में बिकते हैं, जिस मार्केट में बिकता है जिस नाम से, उसको बोलते हैं ट्रेड नेम, है ना। तो प्राइड जो है वो किसका ट्रेड नेम है बेटा, जल्दी से बता दीजिए और सबका आंसर सही होना चाहिए। लेट मी सी कि आप सारे जो है मैराथन में आ रखे थे, मुझे प्राउड फील करना है यार, उधर तो मैं देख भी नहीं पा रही थी अपने बच्चों को, बीच बीच में दिख रहे थे चेतक वगैरह, पर ऐसे ऊपर चले जा रहे थे। चलो, यस रीना, आप भी थे, आपने पूछा भी था क्वेश्चन, वेरी नाइस। सो इट इज योर
एसिडामीप्रिड, ठीक है, वहां पे कोई इमिडा भी कर रहा था, इट इज एसिडामीप्रिड। इमिडा का क्या होता है बेटा, फिर से हम पढ़ेंगे, इमिडे का होता है कॉन्फिडोर, कार्वाइल का होता है सेविन, और 4-8 का ट्रेड नेम होता है थीमेट, ठीक है। सो ये रिविजन आपका एक बार फिर से हो चुका है, और वेरी नाइस यार, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। अब मुझे बताओ, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ कॉटन, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, देख लो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट कौन सा है जिसके टुवर्ड्स जो है बीटी कॉटन भी बनाया गया है। शाबाश, जल्दी जो जो आते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते जाइए, ठीक है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें याद कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता चला है सोर्सेस से कि तुम भी भूल जाते हो मेरी तरह, ठीक है, तो तुम्हें याद कराना बनता है। चलो लाइक सेशन को कर दो जिस जिसने नहीं किया है। यस, पिंक वॉलवॉर्म इज द आंसर, वेरी राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वी विल प्यूपेट इन, जल्दी से बताइए राइस का जो वी विल है वो कहां पे प्यूपेट करता है, उसका प्यूपा कहां होता है। सिल्क वेविंग्स में, सिल्क कोकून में, इनसाइड क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस, या इनसाइड द ग्रेन। शाबाश, जल्दी से सभी सही आंसर करेंगे। यस यस, जल्दी से, ये पिंकी पिंकी विशु लिख रही, पिंकी पिंक वॉलवॉर्म को तुमने अपनी सहेली बना ली है। चलो, इनसाइड द ग्रेन, शाबाश ज्योति बेटा, आपका सही है कन्हैया का गलत है, कन्हैया ने 3 लिख दिया, वर्मा राज ने भी 3 लिख दिया बेटा। इनसाइड द ग्रेन जो है राइस वी विल प्यूपेट करता है, ठीक है। चलो जी, आटा फॉर्मेशन बता दो, किसका सिम्टम है, आटा कौन फॉर्म करता है, गोडाउन में जो आपने अनाज रखा है वहां पर कौन सा पेस्ट लग जाए कि वो बिल्कुल चूरा मूरा आटे के जैसा बना देता है उसको, ठीक है, ग्रेन को आटे की तरह बना देता है। शाबाश, जल्दी से बता दीजिए कौन सा होता है, क्या वो रस्ट रेड फ्लोर बीटल होता है, लेसर ग्रेन बोरर होता है, एंगोमोइस ग्रेन मॉथ होता है, या खपरा बीटल होता है। खपरा बीटल बेटा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरेज पेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर विशु का आंसर आ चुका है, विशु के बाद योगेंद्र, चेतक, वेरी नाइस बेटा। शिवी जो है वो डी क्यों लिख रहे हो बेटा, डी नहीं है रीना, डी नहीं है, देखा रिविजन में आपको पता चला आपको क्या याद रहा है क्या नहीं रहा है। सो इट इज योर लेसर ग्रेन बोरर, खपरा बीटल नहीं, लेसर ग्रेन बोरर, जिसका नाम तो लेस है लेकिन वो काम बड़े बड़े करता है, पूरा चूरा मूरा आटा बना के रख देता है, ठीक है, जो ग्रेन है उसका। चलो, आमरस का बिगुटूला, बिगुटूला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, आमरस का बिगुटूला, बिगुटूला जो है किसका साइंटिफिक नेम है, कॉटन जेसेट्स, कॉटन एफेट्स, कॉटन व्हाइट फ्लाई, या नन ऑफ दीज। राधे राधे आकाश, आज तो आप क्लास में भी नहीं आए बायोटेक्नोलॉजी के, मैं वेट कर रही थी आकाश कब आएगा, फिर मुझे लगा आकाश मैराथन लगा के थक चुके हैं, कोई बबात नहीं थोड़ा आराम करने देते हैं, मैंने तो लगाई 3 से 4 क्लास, ठीक है। रानी, 1:30 बजे से एग्जाम था जब आपकी क्लास थी, ओ कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, उसको देख लेना, लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आपको मेरा वाला पोर्शन और किसी का भी पोर्शन अच्छा लगा हो तो हम सबको अप्रिशिएट करना, हमें मजा आता है यार तुम्हारी अप्रिसिएशन के साथ। चलो, सो गिरधारी, गिरधारी जो है बहुत ही यूनिक नेम है, और मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार आप जुड़ रहे हो बेटा, जो जो नए जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक कर दो और रोज आया करो, ठीक है, हमारे उड़ान, छोटे से उड़ान परिवार को और बड़ा बनाओ। चलो जल्दी से बता दो, इट इज कॉटन जेसेट, वेरी नाइस। तो शिवी ने तो 100 बार लिख दिया कॉटन जेसेट। चलो, ट्रेड नेम ऑफ एंडोसल्फान, ठीक है, ये पहले भी मैंने किया था तो इसको ठीक कर लेना, इसका आंसर क्या है, जो ट्रेड नेम ऑफ एंडोसल्फान है उसका नाम क्या होता है। कन्हैया ये आ रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन, बेटा रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का, अरे अच्छा ये है, ओके, रिवीजन का मतलब होता है फिर से उसको विजन करना, जो आपने पहले एक बार कर चुके हो उसको फिर से विजन करना। जल्दी से, जल्दी से, इट इज योर, यस, थायोडिन, ठीक है। विच इंसेक्ट बिलोंग्स टू कोलियोप्टरा, जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इस पे तो टाइम भी वेस्ट नहीं करते, इट इज योर बीटल्स एंड वीविल्स, है ना, छोड़ो इसको। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया, ये सबने गलत किया था, शाबाश सब ठीक करेंगे इस आंसर को। भूमिका सिन्हा, अ वेरी गुड इवनिंग बेटा, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू उड़ान परिवार। चलो जल्दी आ जाइए, तो थियोडॉन बोलते हैं आप एंडोसल्फान को, कोलियोप्टरा वाला आंसर देने की जरूरत नहीं है, डी होगा इसका, आई नो। नाउ नेक्स्ट इज योर द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया, ये सबने गलत किया था, शाबाश अभी सभी सही करेंगे। आकाश चौधरी, वेरी नाइस बेटा, चेतक, विशु, ठीक है, तो क्या होता है, एफिड्स होते हैं। सो इंडिया में सबसे सीरियस पेस्ट क्या होते हैं मस्टर्ड में, एफिड्स होते हैं, याद रखना इसको। चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन निमाटोड, निमाटोड में जो है क्या एबसेंट होता है, हाँ जल्दी 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 जल्दी,
अरु तुम्हें फर्स्ट वार्निंग दे रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, वरना फिर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, प्यार से पढ़ने आओ, यहाँ पे पढ़ो, आंसर करो, ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछो। शाबाश अरु, लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए यार, मैं सच में ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसे क्यों ब्लॉक होना है किसी से, है ना? मैं किसी से ज्यादा रखती नहीं हूँ, पर जब रखती हूँ तो रख देती हूँ। ये क्या था, मैं ज्यादा किसी रखती रखती हूँ? चलो बताओ, बोथ वन एंड टू। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम भी एबसेंट होता है निमाटोड में, और रेस्पिरेटरी भी, जबकि एक्सक्रीटरी होता है, नर्वस भी होता है, ठीक है? ओके, वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन लेसर ग्रेन बोरर अटैक द मोस्ट। ये भी तुम सबने गलत किया था, चेतक ने भी गलत किया था। अब मैं देखूंगी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कि इस बार वो ठीक करते हैं कि नहीं। अपनी गलतियों को सुधारना इज द बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ। ओके, गलतियां तो सारे करते हैं, उसको सुधारना है बेटा, आपको सुधारो। यहाँ पे जल्दी से बताइए, शुभम मिश्रा वेरी नाइस बेटा, राम यादव, ज्योति गलत हो गया। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत हो चलेगा, मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, एग्जाम में गलत नहीं होगा। वेरी नाइस परिष्ठा, प्रत्याशा, शिवी, इट इज योर हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ठीक है? हॉट और ड्राई कंडीशन में लेसर ग्रेन जो बोरर है वो अटैक करता है, और क्या करता है बेटा, पूरा आटा बना देता है, ठीक है? सो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ग्रब इज द डैमेजिंग स्टेज। बता दीजिए कौन सा ऐसा वो है इनमें से जिसमें ग्रब जो है वो डैमेजिंग स्टेज है। ओनली ग्रब, दैट इज योर खपरा बीटल, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग पैरासीटोइड। एग पैरासीटोइड इनमें से कौन सा, ये भी बहुत सारे जल्दी जल्दी जल्दी, रवि यादव, यहां पे एक प्रथा है, जो टॉप 3-4 आंसर करेंगे सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि 50 बच्चों का नाम लूंगी ना बेटा, तो तुम्हें इन टर्म से ज्यादा तुम्हारे एक दूसरे के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है? तो तुम सोच लो तुम्हें एक दूसरे के नाम याद करने हैं या ये याद करना है। चलो फटाक से, बी, वेरी नाइस बेटा, वी इज द राइट आंसर। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इज द एग पैरासिटोइड, जो एग के ऊपर जो है पैरासाइट करते हैं, और किसका एग, हेलिकोवर्पा का, जबकि कॉस्मोप्लेटिस वाला जो है वो आपका लार्वल पैरासिटोइड है। चलो, द स्टोर्ड ग्रेन हैविंग ग्रेट क्वारंटीन इंपॉर्टेंस। बताइए क्वारंटीन इंपॉर्टेंस जो है, जिसको क्वारंटीन करने का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वो कौन सा पेस्ट है, जल्दी से बताइए। ओके, आशीष सिंह, सी, वो भी हिंदी में। ओके, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। समृति लिख रही है लार्वल। ओके, पिछला वाला ही चल रहा है अभी तुम्हारे साथ, चलो कोई बात नहीं। तो मुझे बता दीजिए, रस्ट रेड फ्लोर बीटल, लेसर ग्रेन बोरर, एंगोइमियस ग्रेन मॉथ, या खपरा बीटल। मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज पेस्ट है वो आपका खपरा बीटल है, ठीक है? तो खपरा बीटल की तरफ ज्यादा क्वारंटीन जो है ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट केमिकल पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया वाज, सबसे पहला जो पेस्टिसाइड यूज हुआ था इंडिया में वो कौन सा था, जल्दी बता दीजिए। तो बहुत आसान है, आपने वहां पर भी सही बताया था, यहां पर ये वन कौन लिख रहा है, जी जर्नी टू। नहीं बेटा, मुझे लगता है आपने मैराथन अभी नहीं किया है, इसमें से मैराथन के ही क्वेश्चंस जो हैं और आप इसको नहीं कर पा रहे हो। रवि यादव, मैम जल्दी जल्दी आंसर कर, कुछ दिन में आपका फेवरेट बन जाऊंगा। जी हाँ, ये कॉन्टेस्ट है, कौन बनेगा आज का टॉपर, कौन बनेगा मैम का फेवरेट, ठीक है? सो आज वही, आज और कल के लिए तुम्हारे मैराथन में बिजी है हम लोग, ठीक है? कल के लिए भी इससे भी ज्यादा तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और सीड के, तो कल के मैराथन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है? कल 10 से 3 बजे तक मैराथन वैसा ही आपका लिया जाएगा। चलो, वर्चुअल फ्रेंड, माय वर्चुअल फ्रेंड, ये सीईयूटी के लिए भी है, ये जो पेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ये हर एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक है? सो जल्दी से आंसर यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। सो द अकैरिसाइड वाइडली रिकमेंडेड फॉर माइट मैनेजमेंट। बेटा जो माइट को मैनेज करता है पेस्टिसाइड, उसको अकैरिसाइड बोलते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा अकैरिसाइड सबसे वाइडली यूज होता है। शबाश, नेपोटिज्म नहीं होता यहाँ पे, मेरे कौन से खुद के बच्चे हो तुम, हाँ नेपोटिज्म तो अपने बच्चे में होता है ना, यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है बेटा, यू कैन से फेवरेटिज्म, है ना? तो वो तो उन्होंने अर्न किया है, ठीक है? एक होता है अर्न करना, ठीक है, दैट इज योर फेवरेटिज्म, एक होता है जो बचपन से खुद ही मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। तो यहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं हो रहा बेटा, ठीक है? चलो जल्दी से बता दीजिए, इट इज योर फोर्थ। फोर्थ क्यों है बेटा, क्योंकि डाइकोफोल और कैल्थिन एक ही बात है। डाइकोफोल का ट्रेड नेम होता है, डाइकोफोल मार्केट में कैल्थिन के नाम से बिकता है, ठीक है? चलो योगेंद्र, नहीं करते हैं आप, है ना?
चलो वर्चुअल फ्रेंड, यस बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाते हैं. चलो जल्दी से बता दीजिए, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लैक, यहां पर आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. एंटोमोलॉजी के जितने बेसिक से लेकर टफ सेट ऑफ क्वेश्चन मैं यहां पर लेके आऊंगी, ठीक है. सो जल्दी से जुड़े रहिए. ओके रवि यादव, फेवरेटिज्म इट इज, जल्दी से फेवरेट बन जाओ, सारे के सारे बन जाओ, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे एक या दो होंगे, सभी बारी बारी से बन सकते हैं. चलो फीमेल मेल, तो जो फीमेल वाली है बेटा, फीमेल सबसे ज्यादा लैक प्रोड्यूस करती है मेल से ज्यादा. चलो आइडियल ट्रैप क्रॉप यूज फॉर कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर. अब मैं देखती हूँ, जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी है वो आइडियल ट्रैप क्रॉप जो टोमेटो फ्रूट बोरर यानी हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा के लिए आइडियल ट्रैप क्रॉप है, ठीक है. उसको बिल्कुल झांसे में लेने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, शाबाश. अब देखते हैं कौन सबसे पहले, देख लो भाई, विशु ने कर दिया सबसे पहले आंसर. अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना. रमेश्वर अभी तक औरत ही लिख रहे हैं, विशु ने अगला आंसर भी यहां पर कर दिया है, ठीक है. सो इट इज योर मस्टर्ड, नहीं है बेटा, मस्टर्ड आपका किसके लिए है, इट इज मैरीगोल्ड, है ना. मस्टर्ड आपका किसके लिए था, डायमंड बैक मॉथ के लिए ट्रैप क्रॉप था. जब डायमंड बैक मॉथ को हमें झांसे में लेना होता है ना, है ना, जैसे कि हमारे, जैसे हमने ना भैंसे रखी थी पहले, भैंसे नहीं, एक भैंस रखी थी, तो अब गाय रखी है, तो भैंस को ना कभी होता है ना अंदर से बाहर बांधना है या बाहर से अंदर बांधना है, तो वो भाग ना जाए ना इधर उधर, कुछ होती है ना, तो उसको ना ऐसे एक तरफ रस्सी से पकड़ते हैं, एक तरफ घास दिखाते हैं, फिर उसको बोलते हैं अजा 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 अजा. सो वो जो होता है ना वो ट्रैप होता है, ताकि ना उसको ऐसे ऐसे करके हम अंदर ले जाए जहां पर भी लेके जाना है, ठीक है. फिर अगर हमारे घर में ना डॉगी घुस जाए, है ना, स्ट्रीट डॉग घुस जाए, और हमें नहीं चाहिए कि घुसे और वहां पे पॉटी वॉटी करे, है ना, तो हमें उसको बाहर भगाना है, तो हम पता क्या करते हैं, हम बिल्कुल चपाती लेते हैं और दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं, फिर भागता हुआ जाता है और हम गेट बंद कर देते हैं. तो हमारे घर में कभी कभी गेट अगर गलती से खुला रह जाए, ओ गॉड, दादी तो इतना डांट सुनाती है, तो हमें फटाफट से क्या करना पड़ता है, अगर हमें देखा कि हमसे खुला रह गया दरवाजा, और अब तो कुत्ते को भगाना पड़ेगा, अब डर भी लगता है, कुछ स्ट्रीट डॉग खाने भी पड़ जाते हैं, तो क्या किया, चपाती लेके आए, जिस तरह की बाहर को फेंका, कुत्ता बाहर, दरवाजा बंद, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है. सो विलेज लाइफ, ओके चलो. Yes, हमारे घर में बहुत क्यूट सी काऊ है और वो बहुत जल्दी मम्मी भी बनने वाली है, ठीक है. तो मैं तुम्हें तुम्हें तो कैसे दिखाऊंगी, हाँ, एग्रीकल्चर अड्डा पे ही मैं उसकी वीडियो अभी दो महीने में हो जाएगी ना, तो फिर मैं उस क्यूट से जो भी होगा, मैं बोली बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा. तुम बताओ काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, काव बोलते हैं, है ना. तो जब वो होगा ना तो तुम्हें मैं दिखाऊंगी, ठीक है, वीडियो, मम्मी को बोलूंगी वीडियो भेजो, या मैं ही चली गई घर तब तक, ओके. चलो चलो, बहुत बातें होगी, अब आ जाओ फिर से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टिकर दैट इज यूज्ड अलोंग विद इंसेक्टिसाइड फॉर बेटर स्प्रेड. तो कभी कभी मैम, हाँ भाई, हम भी पशुपालन करते हैं, अब तो नहीं कर पाते हैं, अभी तो मम्मी मम्मी रेडी करते हैं पशुपालन, प्राउडली करते हैं, प्राउडली, ठीक है. चलो, अपना शुद्ध दूध दही घी सब मिलता है, और क्या चाहिए, है ना, यही तो है लाइफ, शुद्ध खाओ. चलो वेरी नाइस बेटा, इट इज टीपोल, ठीक है. तो हम इंसेक्टिसाइड की क्या टीपोल चिपका देते हैं, ताकि उसका जो स्प्रेड है काफी अच्छे से हो. वेरी नाइस बच्चा. सो नेक्स्ट इज ट्रेड नेम ऑफ आजादी रश्तिन, ठीक है. तो क्या होता है आजादी रश्तिन इंडिका जो होता है ना, ऐसा ऐसा कुछ नाम होता है ना उसका, बता दो किसका नाम होता है. आपका मनिक धनुका नीम सेल धनप्रीत, बताइए जो ट्रेड नेम है इसका, जो आजादी रश्तिन का ट्रेड नेम इनमें से क्या है. सो रीना ने यहां पर, नहीं, ये पिछला चला हुआ है, टीपोल के लिए वन किया है. लेट मी सी, अब कौन सबसे, देखो भूमिका ने यहां पर सबसे पहले आंसर किया, भूमिका सिन्हा, वेरी गुड बेटा. आकाश को मात दे दिया आज आपने. सो भूमिका कंपटीशन में, देख लो बच्चों. चलो, सो इट इज योर नीम सेल. सो देन हाइएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड अकर इन विच क्रॉप. अब मैं देखती हूँ, जल्दी से बताइए बेटा, कौन सी क्रॉप जो है सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कंजप्शन करती है. राइस, कॉटन, कुकुरबिट्स और ग्राउंडनट. मैराथन में तो आकाश ने दिया था भाई सबसे पहले आंसर. लेट मी सी कि अभी कौन आंसर करता है. आऊ हूं, आऊ हूं मतलब क्या. ओके, सो
राइट आंसर यहाँ पे शिवा राठौर ने किया है. वेरी नाइस. सो विशु सेकंड पे है, शिवा राठौर ने सबसे पहले आंसर किया है, दैट इज योर कॉटन. कॉटन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंजप्शन की जाती है पेस्टिसाइड्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रब ऑफ लेसर बोरर एंटर्स द ग्रेन आफ्टर इंस्टार फॉर प्यूपेशन. ठीक है, बताइए कौन से इंस्टार के बाद जो है प्यूपेशन होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जल्दी से बता दीजिए. ऑप्शंस के हिसाब से जाने बेटा युशी. चलो ओके. सो यहां पर विशु ने किया है सबसे पहले आंसर, इट इज योर थर्ड इंस्टार एंड देन चेतक आकाश. ओके नेक्स्ट इज आम्स एम्सेक्टा मूरी इज द साइंटिफिक, अंग्रेज से बोलते हैं ना एम्सेक्टा मूरी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, बताइए किसका साइंटिफिक नेम है ये. रेड पंपकिन बीटल का है, खपरा बीटल का है, रेड हेयरी कैटरपिलर का है या गुजिया बीटल का है, जल्दी से बता दीजिए. सूरज बेटा आपको मैराथन में भी बताया गया था कि मीनाक्षी मैम जो है वो किसी बहुत अच्छी सी चीज पे काम कर रही है. ठीक है, शी इज बिहाइंड द सीन, लेकिन जब वो आएंगी बहुत कुछ अच्छा लेकर आएंगी. ठीक है, तो वेट फॉर हर, वो जल्दी ही वापस आएंगी आपके लिए कुछ नया लेकर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, सो ओके क्या नाम था, सूरज, सूरज. ठीक है ओके. सो रेड हेयरी कैटरपिलर इट इज, किसका नाम है ये, रेड हेयरी कैटरपिलर. नाउ द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट पैरासिटिक निमाटोड इज, तो बता दीजिए जो निमाटोड होते हैं उनका फेवरेबल टेम्परेचर क्या होता है. लेट मी सी कौन सबसे पहले आंसर करता है. सो बिट्टू चौधरी, ये भी रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं. निरंजन कुमार, हेमेंद्र पटेल. इंग्लिश मैम है, ये क्या चल रहा है. तो यहां पर हमारे पास सही आंसर आ गए. यार कोई साइंटिफिक नेम याद नहीं होता आयुषी, सबकी यही प्रॉब्लम है, साइंटिफिक नेम्स किसी को याद नहीं होते जब तक आप बार बार रिवाइज ना करो, और वो काम यहां पर मेरा है. ठीक है, मैं रिवाइज तुम्हें करवाती रहूंगी, टेंशन मत लो. ठीक है, तुम्हारे ऐसे नाम पे हो जाएगा सब कुछ. चलो सो 50 to 13, तो 15 से नीचे अगर चला जाए तब भी निमाटोड इनएक्टिव हो जाता है, 30 से ऊपर चला जाए तब भी इनएक्टिव हो जाता है. सो मुझे बता दीजिए अ पैरासिटिक स्पीशीज ग्रो पैरासिटिकली ऑन अदर पैरासाइट, तो भाई एक ऑलरेडी पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट बन के कोई बैठ रहा है. ठीक है, जैसे आप हो, आप किसी के, छोड़ो यार आप क्यों पढ़ोगे, कोई है जो किसी के टुकड़ों पे पढ़ रहा है, उसके टुकड़ों पे पलने कोई आ गया, जल्दी से बता दो भाई. Yes, हाइपर पैरासाइट को भी कोई पैरासाइट कर रहा है, तो हाइपर है ना, हाइपर मतलब ऊपर. ओके चलो, हाइपो मतलब नीचे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट हो रहा है, सो दैट इज योर हाइपर. लेडी बर्ड बीटल इज, जल्दी बता दीजिए, चेतक ने किया था इसका आंसर सबसे पहले मैराथन में. लेट्स सी कि लेडी बर्ड बीटल जो है वो क्या होता है, पैरासिटॉइड होता है, पैरासाइट होता है, प्रिडेटर होता है, ऑल ऑफ दीज होता है ना. आज के तो याद हो गए ना कुछ, शाबाश रीना, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए. ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको जितना रिवाइज करोगे उतना तुम्हें जो है वो अच्छे लगने लगेंगे, जितना इनसे भागने की कोशिश करोगे ना उतना ये तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हें डराएंगे. ठीक है, जैसे कुत्ते के लिए होता है ना, अगर कुत्ते से भागेंगे वो तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन कुत्ते के सामने आराम से चिल होके जाएंगे या खड़े हो जाएंगे तो वो आपको सूंघेगा और चला जाएगा. ठीक है, और वैसे ही आप सक्सेसफुली आगे बढ़ते जाओगे. तो लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ते जाना है तो क्या करना है, चलते रहना है, डरना नहीं है या भागना नहीं है, चलते रहना है. चलो सो इट इज अ प्रीडेटर, लेडी बर्ड बीटल क्या है, प्रीडेटर होता है. नाउ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, जल्दी से बता दीजिए बेटा, जो प्रीडेटर होता है ना वो साइज में बड़ा होता है अपने होस्ट से. ठीक है, पैरासिटॉइड क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है ना, और पैरासाइट क्या होता है, छोटा होता है. ठीक है, चलो मैम ट्रेड नेम भी याद नहीं होता. अरे एंटोमोलॉजी में बहुत कुछ है यार जो याद नहीं होता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिवीजन करनी है. पता नहीं कौन कौन क्या क्या नाम बना के चला गया, अब हमें, हम बेचारे क्या ही कर सकते हैं, रिवीजन ही कर सकते हैं. टेंशन मतलब आई लव माई इंडिया इज द आंसर. ठीक है ओके. खपरा बीटल हाइबरनेट्स ड्यूरिंग ग्रब स्टेज इन, जो खपरा बीटल है वो हाइबरनेट जो है छुप जाता है कहां, ग्रब स्टेज इन. अब यहां पर मैं कुछ बोलना चाहूंगी, यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे विशु हैं, आकाश हैं, चेतक हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन करें और सही करें, लेकिन उनकी स्पिरिट देखो यहां पे, हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं. ठीक है, सही आंसर कर रहे हैं. शिवी, रीना, संध्या, समृति,
तो ये जो जितने भी ये लोग है, भूमिका, आकाश, अगेन, योगेंद्र, तो ये सारे क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ क्या करने आए? टाइम पास तो नहीं कर रहे, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि दे नो द वैल्यू ऑफ रिवीजन एंड दे नो द वैल्यू ऑफ मी. ठीक है, मेरी भी तो वैल्यू करते हैं ना, मुझे पता है करते हैं. चलो एक आधी गप तो मैं सुनाई दूंगी बीच में, है ना, जो मन में आएगी. हमने कौन सा स्क्रिप्ट बनाई हुई है, चलो जल्दी से बता दीजिए. इट इज योर क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस. वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस. फिर तुम बोलते हो फेवरेटिज्म होगा नहीं क्या? फेवरेटिज्म देखो जरा कैसे आंसर कर रहे हैं. शिवी तो एक ही आंसर को 10 बार लिख देती है. चलो दिस इज कॉल्ड रिवीजन यार, है ना. चिल, रिवीजन करो, मजे करो, तुम्हें सब इजी लगेगा, है ना. विशु चेतक, आकाश, ये देख लो, ये आ गया. इनको पता है रिवीजन से क्या होता है, तभी ये सही आंसर करते हैं. तभी पता है तुम्हें, मैंने देखा था वो मैसेज कि कोई बोल रहा था मैराथन में, बोलता सब लोग आकाश और विशु के आंसर कॉपी करो, वो सही आंसर कर रहे हैं, वो सही आंसर कर रहे हैं, देख लो खौफ इनका. ये कहीं बाहर कंपटीशन में जाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे भाई, इनकी सिलेक्शन पक्की है ना, इनकी सिलेक्शन पक्की है. रिवीजन करने आते हैं, डरते नहीं है पढ़ने से. हम देख लो इनको कहीं भी बैठे हुए हैं. वेरी नाइस बेटा, फेवरेटिज्म है तुम्हारे लिए, पर जो नहीं भी है वो भी फेवरेट बनेंगे. चलो रिवीजन करो. सो हनी बी में हाइंड लेग्स होती हैं, तुम सबके आंसर्स आ गए, शाबाश. हेमेंद्र ने तो टांग भी बना दी है, वाह वाह वाह, हाइंड और टांग बनाई है साथ में. और यस चेतक, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. सो येलो स्टिकी ड्राफ्ट बता दो किस पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, शाबाश. बता दीजिए कि येलो स्टिकी ट्रैप जो होते हैं वो किस पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. अगर मैं गाना गाऊं यहाँ के हम सिकंदर तो मुझे कॉपीराइट तो नहीं आएगा, मुझे अभी इतना पता नहीं है यूट्यूब के बारे में. हाँ किसी ने बोला अब नहीं आएंगे आपकी क्लास में, ठहर जा तू, मैं ऊपर देखती हूँ कौन है. हेमेंद्र पटेल, हेमेंद्र पटेल का तो मैंने नाम भी लिया था, दिल तोड़ दिया मेरा. चलो सो येलो यार, मोटिवेट नहीं होते तुम. हेमेंद्र नहीं यार, नहीं. चलो आ गया ना एफिड. चलो एफिड और व्हाइट फ्लाई दोनों के लिए होता है बेटा, ठीक है. एफिड और व्हाइट फ्लाई दोनों के लिए होता है, थ्रिप्स के लिए ब्लू स्टिकी ट्रैप्स होते हैं. कर दिया ना गलत हेमेंद्र, आ गया ना समझ के, रिवीजन करने नहीं आया, पहली बार पढ़ा तभी गलत हो गया, है ना. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हैवी इन्फेस्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज पेस्ट टर्न द गो डाउन इंटू अ वेब्ड सिल्कन मास एंड गिव अनप्लीजेंट स्मेल. तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा सड़ेला पेस्ट है जो क्या करता है, एक तो सड़ी हुई स्मेल डाल देता है गोडाउन में और पूरा जालियां 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 बना देता है, ठीक है. तो कई बार आप देखोगे जो ग्रेन्स होते हैं उसमें ऐसे ना कुछ धागे धागे से जालियां सी बनी होती है, और कई बार बहुत ही गंदी स्मेल आती है. तो बताओ इसमें से कौन है वो. सिगरेट बीटल है, तो चेतक ने सिगरेट बीटल आंसर किया था, मैं चेतक का आंसर देखूंगी. वेरी नाइस बेटा, इट इज और राइस मॉथ, दिस इज द रिवीजन, दैट्स व्हाई आई लाइक यू. चलो ओके नेक्स्ट, द रिकमेंडेड ट्रैप क्रॉप फॉर आईपीएम ऑफ डायमंड बैक मॉथ. जल्दी से बता दीजिए, हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायमंड बैक मॉथ इन कैबेज के लिए जो है वो कौन सी ट्रैप क्रॉप रिकमेंडेड है, शाबाश. यस इट इज योर इंडियन मस्टर्ड, ठीक है. ओ गॉड, अभी पहले वाले के लिए तुम राइस मॉथ सी लिख रहे थे, मुझे लगा तुमने इसका सी लिखा है. ओके ओके, बोल दिया था क्या, मैंने तो देख लिया तुम्हारा वो वाला सिगरेट वाला, लेकिन मस्टर्ड होता है ना. नाउ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन इज लोकेटेड एट, शाबाश. बता दीजिए डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन इज लोकेटेड एट वेयर. रोशनी सनफ्लावर नहीं है बेटा, रोशनी सनफ्लावर नहीं है, मस्टर्ड है, ठीक है. जल्दी से तुम्हें क्या करना है बेटा, जल्दी से मैराथन देखना है, जैसे ही टाइम लगेगा उसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स के, है ना. तो फटाक से नोट्स बना लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शाबाश. इट्स फरीदाबाद एंड डैमेजिंग स्टेज ऑफ आर्मी वॉर्म इज, ये भी गलत लिखा था बहुत सारे बच्चों ने. जल्दी से बता दीजिए आर्मी वॉर्म की जो डैमेजिंग स्टेज है वो क्या है, जल्दी से. सन्नाटा हो गया, जल्दी से बता दो बेटा, मैं देखती हूँ इस बार, देखती हूँ सबसे पहले कौन बताता है. विशु ने बता दिया, नो डाउट, है ना. तनु सैनी बोल रहे जा रहे हूं, कहां जा रहे हूं तुम. चलो कैटरपिलर, ओके कैटरपिलर इट इज.
द साइट ऑफ प्यूपेशन ऑफ हेलिको वर्मा, ये भी सबने गलत किया था। शाबाश, जल्दी से बताओ हेलिको वर्मा आर्मी जरा जो है कहाँ पे प्यूपेट करता है, कहाँ होता है उसका प्यूपा, जल्दी से बता दो। अब मैं देखती हूँ सबसे पहले कौन आंसर करता है। एक तो ना तुम लोग ना मैम को कभी कभी ममा लिख देते हो, कभी मम्मी लिख देते हो। यार मुझे इतनी अभी बड़ी जवानी मुझे मामा मम्मी मत बोलो, ठीक है, मैम लिखा करो, तुम्हारा ऑटो करेक्ट होके मम्मा हो जाता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मुझे यंग फील करने दो अभी कुछ साल, फिर तो शादी हो जाएगी, फिर तो पता नहीं किस किस के लिए मैं। चलो शाबाश, इट इज योर सॉइल, ठीक है, सॉइल में प्यूपेट करता है, इस तरीके से करता है, सीधी सी बात है। चलो, सो ग्रासी स्टंट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो ग्रासी स्टंट वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। व्हाइट फ्लाई, एफिड, अनियन थ्रिप्स या ब्राउन प्लांट हॉपर। मधु लिख रही है, ओके मामा। अरे नहीं यार, मैं तो अपने बच्चे को भी बोलूंगी मुझे मॉम बोलो, मॉम, मजाक कर रही हूँ यार, मैं माँ बोलवाऊंगी, माँ तुम मत बोलवा। लेकिन और पता चला मुझे कोई बोल रहा था, बीच में एक बच्चा बोलता गुरु माँ, मैंने कहा नहीं यार प्लीज गुरु माँ। चलो जल्दी से, वेरी नाइस, इट इज ब्राउन प्लांट हॉपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई इज क्लासिफाइड इन ऑर्डर, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई का जो है ऑर्डर क्या है, जल्दी बता दीजिए। कॉलियोप्ट्रा, डिप्ट्रा, हेमनोप्ट्रा, हेमिप्ट्रा। भूरा फिड़का, सीरियसली मुझे बताते रहा करो। हेमेंद्र आप अभी तक यही है, मतलब वो धमकी थी। हाँ मधु ही तो है वो, शायद मधु ने पहले भी लिखा है मामा मामा, फिर से इसका ऑटो करेक्ट हो गया, मम्मा हो गया था अभी। वेरी नाइस, इट इज योर हेमनोप्टरा। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज ऑफ इंसेक्ट लाइफ साइकिल, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल का इनएक्टिव और रेस्टिंग स्टेज जो है वो कौन सा है। मंथन करोगे, मंथन मंथन गुरु घूम रहे हैं बाहर, विंडो से देख रहे थे मुझे। चलो वेरी नाइस यार विशु, इट्स प्यूपा है ना, चेतक, राजेश। चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन तुमने गलत किया था, अब ये क्वेश्चन तुमने सही करना है। द गॉल्स फॉर्म्ड बाय राइज गॉल मिज और फ्लाई इज ऑल्सो नोन एज, जो गॉल्स बनाता है मिज फ्लाई या आपका राइज गॉल मिज या राइज गॉल फ्लाई, वो जो है उस गॉल्स को क्या बोलते हैं, सिल्वर शूट, अनियन शूट, सिल्वरी गॉल या ऑल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आपने गलत किया था। भूमिका सिन्हा, वेरी नाइस बेटा, यू हैव दैट पोटेंशियल। देन विशु, शुभम शर्मा, तो अभी प्यूपा ही लिख रहे हैं, सो ऑल ऑफ दिस। ओके चलो, ओके, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स बिलोंग टू, बटरफ्लाई और मॉथ्स जो है वो किस ऑर्डर को बिलोंग करता है। अरे मधु, चलो ओके, देन अगेन शिवी, शिवी ने कर दिया लेपिडोप्टरा, राजेश ने कर दिया, आकाश ने कर दिया, बस। सो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं। तो ऐसे ही फन तरीके से अगर आप एंटोमोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी, ठीक है, शुरू से लेके हम इंसेक्ट का पहले सारे पार्ट्स जो है वो करेंगे, फिर आपका बोर्ड रिवीजन होगा, जितने भी आपके एंटोमोलॉजी को लेके डाउट्स हैं, जितनी भी ट्रिक्स मैं बनाऊंगी जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है, कौन से ट्रेड नेम है, कौन से मेजर पेस्ट हैं, तो वो सारी ट्रिक्स और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझसे पढ़ने के लिए आप मेरे उड़ान के फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो। मेरी एंटोमोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही है मंडे से, तो जिसको भी मेरे उड़ान के फाउंडेशन पेड बैच में एनरोल करना है वो कोड यूज कर सकते हैं Y781A। जी हाँ, A वाला कोड एक्टिव हो चुका है, मतलब आपको बंपर डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। सो ये जो Y781A है ना, ये कभी कभी एक्टिव होता है, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा यार। सुबह से बोल रही हूँ, बड़ो हो जा रहा है, ठीक है। चलो सो बेटा,
रिवीजन की शक्ति आपने यहाँ पर देख ली है। उसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये रहा हमारा एग्रीकल्चर महापैक। ये क्या है बेटा? एग्रीकल्चर महापैक है। तो जब भी डबल वैलिडिटी आती है और एक कोड एक्टिव होता है, आपके पास एक सुनहरा मौका होता है एग्रीकल्चर महापैक को ग्रैब करने का, क्योंकि इससे जो है आपका 80% ऑफ होता है प्लस डबल वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हो। ये क्या है बेटा? ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन है। जो आपने एक बार इसमें एनरोल कर लिया तो ये और इसके अलावा सारे आने वाले नए बैच आपके हो जाएंगे। हम जो भी नया बैच लाएंगे, मान लिया कल को नबार्ड की या फसाई की वैकेंसीज निकली और आपको जो है कोर्स लेना है, तो रादर देन कि आप वो अलग अलग कोर्स लो, आप एक बार एग्री महापैक लो, आपको आने वाले सारे नए कोर्सेज जो है, चाहे एडीओ है, एचडीओ है, फसाई है, यूपी ट्रिपल एससी है, आरएयू है, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा विद प्रॉपर नोट्स, विद प्रॉपर डाउट सेशन, विद प्रॉपर क्विजेज, विद प्रॉपर ई बुक्स, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगी अभी आप इस मौके को ग्रैब कर सकते हैं, कभी कभार ये आता है। और उसके साथ ही यहां पर मेरी एमपी आरएयू में क्लासेस चल रही हैं। अभी किसी को एमपी आरएयू का एग्जाम देना है, उस पर फोकस करना है कि आपको रूरल एक्सटेंशन ऑफिसर ही बनना है। ठीक है, ऑफिसर बनना है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। कोड आप यूज कर सकते हो Y781A। ठीक है, 7 और 8 में कितने का डिफरेंस होता है बेटा? 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप सोचते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, आप उतने सक्षम हो कि आप सेल्फ स्टडी करो, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, हमारी एस एग्रीकल्चर की Volume 1 और Volume 2 मंगवा सकते हो विद कोड Y781S। तो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी बुक परचेज करनी है तो आप S साथ में लगाओ, एक ही जगह Y781S, आपके होम में डिलीवरी हो जाएगी। और इस बुक में बेटा आपको सारे के सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के सारे नोट्स आपको मिलेंगे विद MCQs, ठीक है, और विद फ्री होम डिलीवरी। तो अब आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हो? बहुत ईजी है। हाँ जी ज्योति, हिंदी में आरएयू और यूपी ट्रिपल एससी, ये दोनों ही में हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। आरएयू और यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी मिलेंगे और आपको हिंदी और इंग्लिश में बेटा पढ़ाया भी जाएगा, आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। हाँ जी, क्लासेस हिंदी में होंगी बेटा विक्रांत ज्योति। और तो अभी आप इस मौके को छोड़ना मत, ठीक है, ये बहुत 2 महीने में 1 महीने में एक बार आता है। ओके, देखो रोशनी ने बुक मंगाई है एंड शी इज सेइंग बेस्ट बुक। ओके, तो आपको एग्रीकल्चर में क्या डिफिकल्टी रहती है बेटा, कि आप ना बहुत सारी बुक्स आप यही सोचते रहते हो कि मैम कांतवा पढ़े, सुंडा पढ़े, ये पढ़े, और सुंडा में तो इतनी गलती है ना, मैं बता रही हूं बहुत गलतियां हैं। ठीक है, सुंडा जी सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे, पर सुंडा जी बहुत गलतियां की है भाई, बहुत गलतियां की है। ठीक है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, चाहे वो कुछ है, आपको थोड़ा सा अपडेट उसको करना पड़ेगा, लेकिन अपडेटेड वर्जन तो आपको हमसे चाहिए जिसमें एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आप Y781S कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पे पा सकते हैं 2 बुक्स। और ये 2 बुक्स के अभी आपको मैं प्राइजेस दिखाती हूँ। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि अरे यार इतने में इतना मिल रहा है, चलो ओके। देन आपको क्या करना है बेटा, जो आपकी अभी वीडियो देख रहे हो ना, उसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे, जैसे मैं भी उसी वीडियो पे आ जाती हूँ, इतना कुछ खुल रखा है भाई, ये लो जी आ गई मैं भी यूट्यूब पे आपके साथ, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। ठीक है जी, ये हमने खोल दिया है, ये लाइव क्लास आप अभी देख रहे हो, क्लास नंबर 32। तो इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी 31 क्लासेस हैं वो आप उड़ान प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारी की सारी 32 वीडियोस मिल जाएंगी, आराम से देखना जब भी टाइम लगेगा। देन ये मेरा उड़ान का फाउंडेशन बैच है बेटा, मंडे से एंटोमोलॉजी स्टार्ट हो रही है। इस लिंक पर आप सिर्फ क्लिक करोगे और आप पहुंच जाओगे मेरे फाउंडेशन बैच पर, ठीक है, जो कि 3199 का दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कूपन कोड लगाओगे Y781A तो इसको लगाते ही आपका ये 639 का आप एनरोल कर सकते हो, 639। और इस 639 में आपको डाउट सेशन, आपको सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, बोर्ड रिवीजन, सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा अगेन हम जाएंगे, कहां गए थे, ये तो मैराथन क्लास है कल वाली, ये अपनी उड़ान क्लास,
फिर से अगर आपको लगता है कि आप एग्रीकल्चर महापैक, क्योंकि डबल वैलिडिटी 80% ऑफ देख लो, तो आप एग्रीकल्चर महापैक पे जाओगे यहाँ पर। जैसे ही आप एग्रीकल्चर महापैक पर गए, मम्मी सॉरी माइक फंस गया था, ओके जैसे ही आप एग्रीकल्चर महापैक पे गए, यहाँ नीचे 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 बाय नाउ आएगा, बाय नाउ करो, फिर से बेटा कूपन कोड लगाओ Y781A, है ना, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस और A, तो एंटर कर दिया है बेटा 6399 में। तो देखो 6399 में आपको उड़ान भी मिलेगा, आगाज भी मिलेगा, मंथन भी मिलेगा, आरएयू भी मिलेगा, यूपी ट्रिपल एससी भी मिलेगा, नवाड, फसाए, जितने भी टेस्ट है सब कुछ बैचेस है वो सारे मिल जाएंगे, सारी सीरीज मिल जाएंगी, सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, और क्या चाहिए भाई। तो मैं तो बोल रही हूँ डबल वैलिडिटी मतलब 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए आपको ये रहेगा। तो 2 साल के लिए अगर आप 6399 रुपीज में एनरोल कर पा रहे हो ना, सो इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। एनालाइज करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, मैं रिवीजन करवाती रहूंगी। बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय। ओके ज्योति, आरएयू का कोड है, अगर आपको आरएईओ में एनरोल करना है बेटा तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। ओके बेटा मैं आपको सिखा देती हूँ आपको क्या करना है। ज्योति आपको ना अपने गूगल पे जाना है, ठीक है, गूगल पे आप चली गई, उसके बाद गूगल पे आपको लिखना है Adda247। Adda247 आप लिखोगे, यहाँ पे जो पहला आएगा ना उस पर क्लिक कर देना। जब उस पर क्लिक कर दोगे तो ऐसे कुछ खुलेगा आपका, यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखेगा, ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, उस पर चले गए, एग्रीकल्चर पे जाना है, एग्रीकल्चर पे चले गए। एग्रीकल्चर में ये देखो ये सब कुछ है, यहां पर दूसरी लाइन में आपका MPREO है, तो MPREO पे आपने क्लिक कर दिया, है ना। अब यहां पर ये जो MPREO है, ठीक है, इस पे क्लिक कर दोगे MPREO का कंप्लीट बैच। अब यहां पर आप सबसे नीचे जाना बेटा, सबसे नीचे चले गए, चले गए, बाय नाउ किया, कोड लगाना है, आप लिख सकते हैं Y781A, ठीक है, Y781A, ए फॉर एप्पल वाला, देन उसको अप्लाई कर दोगे, ये आपको 1319 का पड़ जाएगा। 1319 में आप इसको एनरोल कर सकते हो, आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है, अभी 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी चली है, तो जल्दी से Y781A कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हो किसी भी बैच में, और हमसे मिलिए, हमसे पढ़िए सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके नाउ मैं जाऊं, बाय।